पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय राधाकिशन मालवीय की जयंती पर मालवा के कई बड़े दिग्गज कांग्रेस नेता एक साथ एक मंच पर अपनी सियासी एकता दिखाते नजर आए। इस मौके पर सभी ने एक सुर में कांग्रेस पार्टी को जिताने की कसम भी खाई। देखें एमपी न्यूज की ये खास रिपोर्ट। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय राधाकिशन मालवीय की याद में मालवा के तमाम बड़े कांग्रेस नेता एक साथ एक मंच पर एक जाजम पर जमा हुए। ये मंच राजेंद्र मालवीय, विशाल मालवीय और चंद्रकला मालवीय ने सजाया था। इस मंच पर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल, सज्जन सिंह वर्मा, विजय लक्ष्मी साधौ, जयवर्धन सिंह, जीतू पटवारी, रामलाल मालवीय, विपिन बानखेड़े, महेश परमार, सत्यनारायण पटेल सहित कई बड़े नेता मौजूद थे। राष्ट्र संत उत्तम स्वामी महाराज की गरिमामय उपस्थिति में यहाँ स्वर्गीय राधा किशन मालवीय के अभूतपूर्व योगदान को याद किया गया। हम सबको एकत्रित करने वाली भागीरथी राजन मालवीय को एक बार जोरदार तालियों से उसका स्वागत करना चाहिए। उनके सुपुत्र विशाल समाज में यही संदेश दिया जाता है कि जिसके पीठ पीछे चर्चा होती है, समझना कि वो व्यक्ति कहीं ना कहीं अच्छा काम करके गया हुआ है। और स्वर्ग से आशीर्वाद देकर हम सभी को एकत्रित करते हुए समाज की सेवा करने का संदेश उस व्यक्ति ने अपने आत्मा के द्वारा हमको कहीं ना कहीं प्रेरित किया है। राधा किशन मालवीय जी, मैं 2000 से उनको जानता हूं। जब प्रदेश अध्यक्ष नहीं थे तो उसके पहले से मेरे पास अनन्य प्रेम उनका, चाहे बांसवाड़ा हूं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कई बार उनका आवागमन मेरे पास रहा है। पर इतनी सहजता और सरलता, मैंने आज तक किसी भी नेता में इतनी पवित्रता व्यक्ति जीवन नहीं देखा, इतनी पवित्र जीवन। जैसे अग्रवाल साहब ने कहा कि उनको कभी गुस्सा नहीं आता, उनके जैसा शांत जिज्ञासा नाम तथा गुण, उनका नाम है राधा और कृष्ण। मुझे लगता है कि पूरा विश्व उनके नाम में ही बसा हुआ था और विश्व का एक प्रमाण कि राधा कृष्ण जी ने मध्य प्रदेश में अपने स्वभाव के द्वारा सफलता, समृद्धि, शांति प्रदेश को ले जाने का कार्य ये राधा कृष्ण जी ने किया है। जरूर राधा कृष्ण मालवीय जी मध्य प्रदेश की राजनीति के एक स्तंभ रहे थे। उनका राजनीतिक जीवन बहुत ही ऐतिहासिक रहा था। अगर हम याद करें तो जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे तो उस समय राधा कृष्ण जी भी मंत्री थे उनके मंत्रिमंडल में, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। और विशेषकर उनका मालवा में, मध्य प्रदेश में और पूरे इस क्षेत्र के विकास पर जो उनका योगदान की भूमिका रही है वो अतुल्य है। आज हम सब उनको याद करते हैं, आज उनकी जयंती भी है। उनके सुपुत्र राजेंद्र मालवीय जी भी यहाँ उपस्थित थे, चंद्रकला मालवीय जी भी उपस्थित थी और उनके पोते वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, विशाल मालवीय जी भी। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो कर्म और जो विचारधारा राधाकृष्ण मालवीय जी की थी उसके आधार पर जो उनके वंशज हैं वो भी आगे काम करते रहेंगे। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, हमारे प्रदेश के प्रभारी जी पी अग्रवाल साहब भी यहाँ मौजूद थे, वो स्वयं सांसद भी रहे थे राधाकृष्ण मालवीय जी के साथ में। और हमारे अनेक दिग्गज नेता, जीतू पटवारी जी, सज्जन सिंह वर्मा जी, विजयश्री साधो जी, विक्रांत भूरिया जी, हमारे रामलाल मालवीय जी, हमारे विपिन वांखड़े जी और भी अन्य साथीगण, जो मालवा के सभी नेता यहाँ मौजूद थे। और हमेशा हम ये संकल्प लेते हैं कि जो सोच और विचार राधाकृष्ण जी के थे उसके आधार पर आगे भी हम काम करते रहेंगे। समाज की अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ भाई उसको कैसे आगे लाया जाए, वो कैसे समाज के बराबर उसको खड़ा किया जाए, हमेशा उनकी ये सोच रही और हमें
कांग्रेस की रीति नीति के अनुसार उन्होंने काम किया। तरह से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, माननीय हमारे जितने सम्मानित आए हैं, माननीय हमारे ठाकुर साहब है, माननीय हमारे सेवा दल के अध्यक्ष हैं, मैं सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और मैं पुनः अपनी ओर से हम जो प्रधान अतिथि है, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद बहुत करूँगा। खास बात ये रही कि चुनावी साल में मालवीय परिवार ने अपनी जो मजबूत उपस्थिति इस आयोजन से दर्ज कराई है, उससे कई दावेदारों की नींदें भी उड़ गई हैं और लगातार उनकी सक्रियता से कांग्रेस के गलियारों में भी चर्चाएं गर्म हैं। संदेश ये कि बाबूजी हमेशा चाहते थे कि समाज की जो अंतिम पंक्ति में व्यक्ति जो बैठा हुआ है उसको कैसे उसको समाज के जो दूसरे वर्ग के बराबर लाया जाए, हमेशा उनका विचार ये रहता। वो कांग्रेस की जो रीति नीति है उसके अनुसार जो हमारा दलित भाई है वो हमेशा कांग्रेस के साथ में है, वो कांग्रेस में रहना चाहते थे, वो ये सब बाबूजी काम करते थे। संकल्प ये है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनना बिल्कुल तय है और माननीय कमलनाथ जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, वो पूरा दलित समाज माननीय कमलनाथ जी के साथ में है। कुल मिलाकर स्वर्गीय राधा किशन मालवीय को आदर्श राजनेता मानते हुए कांग्रेसियों ने जहां अपनी एकता से सभी को वाकिफ कराया, तो वहीं इस जमावड़े से प्रदेश के बड़े नेताओं में भी मालवीय परिवार का योगदान फिर सुर्खियों में आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।